नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मेरठ के होटल हारमनी इन में हुई रेड के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ मुंबई की तर्ज पर कसीनो चल रहा था। इस कसीनो में दिल्ली की बार बालाएं गेम खिलाती, वो जाम से लेकर कॉइन तक गैम्बलर को परोसती। जब पुलिस ने होटल का ये सीन देखा तो माहौल देख कर खुद पुलिस वाले भी तंग रह गए। गढ़ रोड में होटल हारमनी इन में सोमवार रात पूरी कार्रवाई हुई। शहर के बीचों बीच नामचीन होटल में वह तरीके से जुआ खिलवाया जा रहा था। भाजपा नेताओं से जुड़े होटल में मेट्रो सिटी की तरह जुए की महफिल सजी थी। मुंबई दिल्ली की तरह कसीनो टेबल लगी थी। सिगरेट शराब और लड़कियां जुए का माहौल बना रही थी। आधे कपड़ों में लड़कियां शराब परोस रही थी और टेबल पर जुए के दांव लगवा रही थी। पुलिस को देखते ही हॉल में भगदड़ मच गई। शहर के तमाम रईस जादों ने जैसे ही पुलिस को देखा तो चेहरा ढक लिया, तो कुछ पहले ही भाग निकले। मंगलवार की सुबह लोगों को जब नामचीन होटल में चल रहे वह धंधे का पता चला तो हर कोई सन्न रह गया। सेंटर ऑफ सिटी में चल रहे कसीनो में वो सब कुछ था जिसे पाने के लिए लोग गोवा मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाते हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नौचंदी थाना क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी इन में सोमवार की रात जुआ हो रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम बनी और होटल में रेड मारी। होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बंद हॉल में कसीनो चल रहा था। सामने शहर के नामचीन रईस जादे थे। लगभग 100 टेबलों पर जुआरी बैठे थे। पास ही दिल्ली मुंबई के मॉडल जुआ खिला रही थी, साथ ही शराब परोसकर अश्लील डांस भी हो रहा था। 1,00,000 रुपए की टिकट से एंट्री दी गई थी। पूछताछ में पता चला कि 4 सालों से होटल में जुआ खेला जा रहा था। वैसे कभी कभी खेला जाता, लेकिन दिवाली पर 2 महीने पहले ये शुरू हो जाता है। आपको बता दें, जानकारी मिल रही है कि जिस समय यहाँ पर छापा पड़ा है उस समय सिर्फ 6 टेबल पर 60 गैम्बलर बैठे थे। क्वाइन और चिप्स के साथ ये गैम्बलर 1.5 करोड़ का दांव लगाए बैठे थे। इन टेबल पर मौजूद एक एक कसीनो लेडी मास्टर ने इस बाजी को रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस ने रिकॉर्ड को भी जब्त किया है। गैम्बलर जब जीत जाता तब कैश से ऑर्गेनाइजर अपना कमीशन यानी कि नाल काटता। हर जीत पर 1% नाल काट कर बाकी रकम जीतने वाले को दे दी जाती। पुलिस ने पूरे मामले में मजबूत FIR तैयार की है। इसमें होटल संचालक और मुख्य आरोपी नवीन अरोड़ा है। नवीन अरोड़ा ने पुलिस को जो कुछ बताया वो सारे तथ्य FIR में मौजूद हैं। वहीं इस पूरे मामले में SP सिटी ने कहा कि यहां पुराने विवादों में दर्ज मुकदमे का नक्शा भी निकलवाया जाएगा। पुलिस जांच में सामने आया कि दीपावली पर जुआ खेलने वाले रईस जादों की संख्या बढ़ जाती है। इसके चलते हर साल कसीनो चलाया जाता है। मुंबई और दिल्ली की मॉडल को बुलाकर अश्लील डांस भी कराया जाता है। दीपक मीणा जो जिलाधिकारी हैं यहाँ के, उन्होंने ये बताया है कि पुलिस पूरे मामले में जांच करके आवश्यक कार्रवाई कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर होटल के नक्शे और NOC से जुड़े जो भी बिंदु हैं उनकी जांच संबंधित विभाग से करवाई जाएगी। मेडा से होटल के नक्शे की जांच कराएंगे। गैम्बलिंग पूरी तरह से गैरकानूनी है। शहर में इसे कैसे आयोजित किया जाने लगा, इसके संरक्षण में ये गेम होता रहा, इसकी भी जाँच कराई जाएगी।